पीड़ित महिला खा रही दरबदर की ठोकरे, नहीं कर रही पुलिस कोई सुनवाई। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के थाना गलशहीद क्षेत्र की रहने वाली महिला के जानने वाले आशीष डुडेजा, जिन पर महिला की कुछ रकम बकाया है, जिसकी रकम आशीष डुडेजा रामगंगा विहार थाना सिविल लाइंस मुरादाबाद ने हमें कहा कि मेरा नए मुरादाबाद थाना मछोले का फ्लैट देख लो और उसका बैनामा करा लो। महिला अपने जेठ व अपने पति के साथ वह फ्लैट देखने चली गई और महिला का कहना है कि आशीष डुडेजा ने हमें नए मुरादाबाद में स्थित एक गोदाम में बुलाया, जहां पर आशीष डुडेजा व दो अज्ञात लोग बैठे हुए शराब पी रहे थे। तब महिला व उसका पति व जेठ अमित खुराना जब वहां पहुंचे, तब हमें देखकर उन लोगों ने शराब की बोतलें वहां से हटा दी और हमें प्लॉट दिखा। तीनों लोग हमारे साथ चल पड़े प्लॉट देखने के लिए। आशीष डुडेजा ने महिला के जेठ व एग्रीमेंट कराने का एक स्टाफ खरीदने के लिए महिला के साथ गए लोगों को कचहरी भेज दिया। इसी बीच अपने पति से टॉयलेट जाने की इच्छा जाहिर की, तब महिला का पति पीछे की तरफ लेकर गया और एक छोटे से कमरे में जिसमें दरवाज़ा नहीं था महिला को टॉयलेट कराने के लिए भेज दिया। महिला का पति बाहर रुक गया, तब महिला मोबाइल से बात करते हुए कुछ आगे निकल गई। तभी महिला का कहना है कि इसी बीच आशीष डुडेजा उसके दो साथियों नशे की हालत में वहां महिला टॉयलेट कर रही थी वहां जबरन घुस आए तथा आशीष डुडेजा बुरी नीयत से महिला को दबोच लिया और मुंह दबाकर उसकी मर्जी के खिलाफ बलात्कार किया और उसका दूसरे साथी अपने मोबाइल से वीडियो बना रहा था। इसी बीच महिला का कहना है कि जेठ भी वहां आ गए। महिला के जेठ व पति को वहां आता देख तीनों लोग वहां से भाग गए और धमकी देकर गए कि अगर ये बात किसी को बताई तो मोबाइल से बनी वीडियो वायरल कर देंगे और तुम समाज में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। महिला का कहना है कि ये सारी बातें उसने अपने जेठ व पति को बताई, तब उस डर से उन्होंने इस बात को दबाने की बात कही। महिला का कहना है कि इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की तो उन लोगों के हौसले और अधिक बढ़ जाएंगे। महिला का ये भी कहना है कि बनी वीडियो को दिखा दिखा कर महिला को इतना परेशान किया जाता है कि महिला बहुत परेशान है और महिला का कहना है कि अगर उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई तो वह कुछ भी करने को मजबूर हो सकती है। और महिला ने यह भी कहा कि मैं हर अधिकारी के दरवाजे पर अपनी गुहार लेकर जा चुकी हूँ, मगर कोई भी अधिकारी महिला की सुनवाई करने को तैयार नहीं है। महिला का ये भी आरोप है कि सदर कोतवाली पुलिस महिला के लिखाए मुकदमे पर चार्जशीट भी दाखिल नहीं कर रही। महिला का कहना है कि आखिर क्या वजह है जो पुलिस अभी तक इस मामले में चार्जशीट दाखिल नहीं कर रही है। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। जी, क्या घटना हुआ? ये व्यक्ति आशीष रेजा है, रामगंगा विहार का रहने वाला, मुरादाबाद का ही है। इसने मेरा बलात्कार किया था लेकिन इसकी अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं बड़े बड़े अधिकारियों के पास जा चुकी हूँ अभी तक, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इससे हमें जान माल का खतरा भी है आने वाले वक्त में भी। बस यही है, मैं चाहती हूँ आपके द्वारा पुलिस प्रशासन से दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि मेरी कोई सुनवाई हो और इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मतलब इसमें FIR हो गई थी क्या? सर, FIR हो गई है लेकिन चार्जशीट नहीं लगी है। थाना मझोला में भी हमारा केस गया था लेकिन वहाँ से ट्रांसफर होके हमारा कोतवाली में चला गया है। आप SSP से मिली हैं? जी, मैं अभी मिलकर के आई हूँ लेकिन अभी वो बैठे नहीं हैं। उनसे पहले भी जो SSP रह चुके हैं, मैं उनके पास भी जा चुकी हूँ, फिर भी कोई सुनवाई हमारी नहीं हो रही है। कितने अधिकारियों का आपने चक्कर लगा दिया? सर, काफी अधिकारियों के पास, बड़े बड़े अधिकारियों के पास मैं जा चुकी हूँ। ये कौन है, ये क्या है? जी, DIG हैं, SSP हो गए और भी बड़े अधिकारी जो हैं, सर मैं उनके पास जा चुकी हूँ। अब आपके केस पूरा कहाँ पे, कौन से थाने पे? सर, अभी तो कोतवाली में चल रहा है, पूरम राठी जी के पास। जी, आपके कोतवाली पाए जाए कहाँ पर? जी, कोतवाली में है। तो अब क्या कहना है, मतलब अधिकारी इसमें क्या जवाब? अधिकारी इसमें कह रहे हैं हम जल्द ही कार्रवाई करेंगे लेकिन हमारी कोई भी सुनवाई और कोई भी कार्रवाई अभी तक हमारी नहीं हो रही है। क्या वजह है जो? क्योंकि उसका एक भाई है जो दिल्ली में एक बड़ा अधिकारी है, उसकी वजह से हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जो केस को दबाने की कोशिश कर रहा है लगातार। कौन है वो, किस पद पे है? सर, वो एक इनकम टैक्स ऑफिसर है, बड़ा अधिकारी ही है। क्या कहता सर? वो दबाव डलवाता है दूसरों से फोन करके, बड़े बड़े अधिकारियों पे केस को कमजोर करने की कोशिश करता है। अगर आपकी सुनवाई नहीं होगी तो फिर क्या होगा? सर, अगर मेरी सुनवाई नहीं हुई तो मैं आने वाले वक्त में कुछ भी कर सकती हूँ, जिसकी जिम्मेदारी पूरी आशीष डुडेजा की ही होगी। क्या कारोबारी है इसका?
सर ये एक इसके आरना के नाम से इसका एक फैक्ट्री है। क्या धमकी मिल रही है? जान से मारने की धमकी दे रही है, वीडियो वायरल करने की धमकी देता है, मेरे परिवार को मारने की कोशिश करता है। वीडियो में ऐसा क्या है? वीडियो में सर जब मेरा बलात्कार हुआ था तो उसी के एक साथी ने मेरी वीडियो बनाई थी, वही वायरल करने की ये कोशिश कर रहा है। जी सर ये तो हो सकता है हो भी हो उसके पास वीडियो वाली।